सात महीने की बच्ची को 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की जरूरत। सीएम योगी से मिलना चाहता है परिवार। इसके इलाज के लिए उसने 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया जाना है, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं है कि यह खर्च वहन कर सके। महज 7 महीने की मिशिका सक्सेना को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA1 नाम की दुर्लभ बीमारी है। इसके इलाज के लिए उसे 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया जाना है, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं है कि यह खर्च वहन कर सके। आमजन से यह रकम जुटाने के लिए मिलाप फाउंडेशन, इम्पैक्ट गुरु समेत कई वेबसाइट के जरिए आर्थिक मदद मांगी जा रही है। इनके जरिए उन्हें अब 60 लाख रुपए की रकम मिल चुकी है। अभी लंबा रास्ता तय करना है। इसको देखते हुए मिशिका का परिवार अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सहायता की गुहार लगाना चाहता है। मिशिका की मां नेहा ने बताया कि 7 महीने की मिशिका एक दिन बैठे बैठे गिरने लगी। खेलते समय वह अपना हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। काम के सिलसिले में उनके पति मुदित और वह नोएडा में रहते। बच्ची की हालत देखकर वे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। यहां पर जांच में पता चला कि उसे स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी SMA1 नाम की दुर्लभ बीमारी है। डॉक्टरों ने इलाज में जोलगेंसका नामक इंजेक्शन की आवश्यकता बताई है, जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर रत्ना दुआपुरी के अनुसार मिशिका को 2 वर्ष की आयु से पहले ही यह इंजेक्शन लगाना जरूरी है। इलाज न मिलने पर उसे सांस लेने और कुछ भी निकलने में समस्या हो सकती है। परिवार इतने रुपए के इंतजाम के लिए वन पर्यावरण और जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, सांसद संतोष कुमार गंगवार व अब उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर आर्थिक मदद की गुहार लगा चुका है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश करने का आश्वासन दिया है। नेहा सक्सेना के अनुसार कोई भी व्यक्ति मिलाप पर सहायता देने के लिए इनके लिंक पर जा सकता है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7358398234 पर संपर्क किया जा सकता है।